वेजिटेरियन फीस भी कहा जाता है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। इसका सेवन करने से डायबिटीज, कैंसर, हार्ट संबंधित बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। अलसी के बीज खाने से आपके ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होता है। और साथ ही साथ फ्रेंड, अलसी का बीज बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी। अलसी का बीज जो है हमारे खान पान में आज से नहीं बल्कि हजारों साल से होता आ रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में इसे खाने खाने के रूप में से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लड्डू खाए जाते हैं, इसका शेक बनाया जाता है, और साथ ही साथ फ्रेंड इसको पाउडर फॉर्म में भी खाया जाता है। और आपको इसको आप इसका लड्डू भी खा सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है क्योंकि फ्रेंड यह सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन वन, प्रोटीन, तांबा, मैगजीन, ओमेगा थ्री एसिड समेत कई सारी ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारे इस अलसी के बीज में कि पूछिए मत। और फ्रेंड इसे अलसी, इसे तीसी भी कहा जाता है। और इसे फ्रेंड हम लोग के तरफ लोकल लैंग्वेज में इसे हम लोग चिकना भी बोलते हैं। आप इसे चिकना भी बोल सकते हो। और यह जो फ्रेंड ये इसका कलर जो है ये भूरे कलर की होती है। यहाँ पर जो मैं ली हूँ ये ऑर्गेनिक चिकना है, यानी कि ये ऑर्गेनिक अलसी का बीज है। तो फ्रेंड आपको इस तरह का अलसी का बीज मिलेगा कहीं पर भी मार्केट में। आप इसे ले आइए और घर पर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए रोस्ट करके। मैं एक वीडियो और बना दूंगी, अगर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि हाँ हमें चाहिए ये वीडियो, तभी मैं बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे किस किस बीमारी में खाया जाए। सबसे पहले फ्रेंड डायबिटीज में अलसी के बीज को वेजिटेरियन फीस कहा जाता है। इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड और फाइबर की मात्रा होती है। इसका सेवन करने से डायबिटीज, कैंसर, हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड दूसरी बीमारी जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो हमारी महिलाओं में ज्यादातर होता है। और इससे फ्रेंड बहुत सारे महिलाएं समय से पहले ही चली जाती हैं। तो फ्रेंड अलसी के बीज को खाने से ब्रेस्ट कैंसर काफी हद तक कम हो जाती है। और साथ ही साथ फ्रेंड एक रिसर्च के बाद ये भी पता चला है कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो अलसी के बीज में प्रचुर मात्रा में होता है वह ट्यूमर को भी घटाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड अगर इसे यूज करते हो तो यूज करने के दौरान ओमेगा थ्री फैटी एसिड नुकसान पहुंचाने वाली बॉडी सेल को भी दूसरे सेल से चिपकने से रोकता है। अलसी के बीज में मौजूद लिग्नन ट्यूमर को कम करने से रोकता है। इसी वजह से फ्रेंड आपको ये इसी वजह से ट्यूमर या नया ब्लड, मतलब कि नया ब्लड जो है वो ट्यूमर जो है वो नहीं बनता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है। और फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये अलसी का बीज जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अलसी के बीज का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। और साथ ही साथ और ये भी है फ्रेंड कि आपका जो बॉडी है वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाने लगता है। आप अगर इसका सेवन करोगे तो ये नहीं बनाने देता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। ओमेगा एसिड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में लगा रहता है। और साथ ही साथ फ्रेंड आपको अगर ब्लड ब्लड शुगर है तो उसे आपको ये कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा। और फ्रेंड मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है आपको तो फ्रेंड आप अलसी के बीज को यूज कीजिए, ये आपको काफी राहत देगा। और साथ ही साथ फ्रेंड अगर वेट आपका बढ़ रहा है तो उसमें भी आप अलसी के बीज को यूज कर सकते हो, ये उसमें भी काफी फायदा देता है। और फ्रेंड अलसी के बीज को यूज करने का सही तरीका आप जरूर जान लीजिएगा। अगर आप कहोगे तो मैं जरूर दूंगी अपने चैनल पर। तो फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।